नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल बाबाजी में। मैं हूं आप सभी का दोस्त सुधांश और आज हम लोग बात करेंगे टॉर ब्राउजर के बारे में। टॉर ब्राउजर क्या है, इसे कैसे यूज करें, इसे यूज करने से क्या क्या फायदे हैं आपको, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल टेक्निकल बाबाजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए गोल्ड कॉइन के बराबर है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल बटन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ, इसके अगले अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आईडी नीचे डिस्प्ले हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो टॉर एक सर्च इंजन है। टॉर का फुल फॉर्म होता है द ऑनियन रूटर। टॉर क्या करता है, कैसे यूज काम करता है, ये हम अभी इस वीडियो में अभी आपको बताएंगे, आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। टॉर पहली बात तो है क्या, एक सर्च इंजन है। इसका फुल फॉर्म द ऑनियन रूटर है। यह एक सर्च इंजन काम कैसे करता है, जैसे आपने वीपीएन का नाम सुना होगा, मैंने एक वीपीएन पे वीडियो बनाई हुई है जिसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को यूज कैसे करें, कौन कौन से एप्लीकेशन आपको यूज करने चाहिए, बट आज इस वीडियो में हम लोग टॉर के बारे में बात कर रहे हैं। टॉर एक सर्च इंजन है जो आप किसी भी वेबसाइट पे कुछ भी सर्च करते हो, जैसे गूगल पे जाके किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे आपकी जो आईपी एड्रेस बनती है पता चलता है वेबसाइट वाले को कि आप कौन है। उसके वेबसाइट पे जाते हैं तो उस वेबसाइट वाले को पता रहता है, थर्ड पार्टी को पता रहता है कि आप कौन है और उसके वेबसाइट पे क्या कर रहे हैं, मतलब क्या सर्च कर रहे हैं, सारी हरकतें उसके जानकारी में होती है। बट अगर टॉर सर्च इंजन का आप यूज करते हैं तो आपकी जो आईपी एड्रेस, ओरिजिनल आईपी एड्रेस होती है वो उसको नहीं पता चलती। टॉर क्या करता है, जो आपकी आईपी एड्रेस है उसके ऊपर लेयर बना देता है। जैसे इसका नाम सुनिए, टॉर द ऑनियन रूटर, जैसे प्याज के छिलके होते हैं एक के परत के ऊपर के एक परत, वैसे ही ये भी एक आपकी जो ओरिजिनल आईपी छुपाने के लिए, ओरिजिनल आईपी छुपाने के लिए ढेर सारी नकली आईपी बना देता है। तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि ओरिजिनल आईपी कहाँ से। एग्जांपल के तौर पे ये समझिए, अगर आप इंडिया में बैठ के टॉर ब्राउजर का यूज कर रहे हैं, कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो आपका लोकेशन इंडिया ना दिखा के वो कहीं और भी दिखाएगा, मतलब अमेरिका दिखा सकता है, रशिया दिखा सकता है, जापान दिखा सकता है, कहीं भी दिखा सकता है। इससे वेबसाइट का जो जिसका वेबसाइट है जो एक्सेस करने वाले वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब ये बंदा ओरिजिनल है कहाँ का। इससे आपकी आईपी एड्रेस को बचाता है। इससे फायदे ये हैं कि आप जो कुछ भी सर्च करेंगे, कोई भी हरकतें जो भी करते हैं आप नेट ब्राउजर पे, मतलब इस ब्राउजर पे करिएगा, तो आपकी ओरिजिनलिटी, जो आप कहाँ के हैं, क्या उन है, ये किसी को नहीं पता चलेगी, सीक्रेट रखता है। और इसके फायदे क्या क्या हैं, मतलब इससे क्या क्या कर सकते हैं। इससे आप कोई भी वेबसाइट जो ब्लॉक है किसी भी कंट्री में, ब्लॉक जो वेबसाइट है आसानी से इस पर एक्सेस कर सकते हैं, सिंपली खोल सकते हैं, मतलब कोई भी वेबसाइट जो ब्लॉक है यहाँ पे आसानी से आपको खुल जाएगा। अब इसके नुकसान क्या क्या हैं, कभी भी नुकसान नहीं कहेंगे, ये टॉर ब्राउजर कहता है कि आप उसके सर्च इंजन पे जो भी सर्च करोगे उसकी आईपी एड्रेस चेंज करने की गारंटी वो देता है। बाकी आपके फोन में जो भी एप्लीकेशन है जो ऑन करने से आपकी जीपीएस को एक्सेस करती है, उन सबका ये मतलब जिम्मेदार नहीं है। उससे आपकी अगर लोकेशन ट्रैस होती है तो उसका जिम्मेदार टॉर नहीं है। दूसरी बात, कुछ भी टॉर जब टॉर का यूज कर रहे हो आप, तो कभी भी दूसरे एप्लीकेशन का यूज ना करें फोन में, जब आप टॉर का काम कर लें तो उसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन ये सब टॉर पे ना ही करें तो बेहतर है। कर भी सकते हैं बट अगर आप करते हैं तो ना ही करें, इससे आपकी आईपी एड्रेस अलग हो जाती है, लोकेशन चेंज हो जाता है, आप समझ ही नहीं पाते, और ट्रांजेक्शन करोगे इंडिया में बैठ के तो फिर हैक होने के चांसेस रहते हैं, पता चलने के चांसेस रहते हैं कि आप इंडिया में बैठ के ट्रांजेक्शन, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट तो इंडिया का है। ऑनलाइन अगर बैंकिंग कर रहे हो तो आपका बैंक अकाउंट तो इंडिया का है बट आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो टॉर की मदद से, टॉर ब्राउजर पे, तो इससे पता चलता है, चाहे तो लोग एक्सेस कर सकता है। ये इतना स्ट्रांग है कि मैं आपको बता दूं कि FBI तक के लोग इसको जल्दी एक्सेस नहीं कर पाते हैं। FBI के बारे में सबको पता होगा, FBI भी ब्राउजर डेटा को जल्दी एक्सेस नहीं कर पाती है। तो टॉर का यूज कर सकते हैं आप। अब कैसे यूज करना है, फोन के लिए भी अलग एप्लीकेशन मिल जाएगा, पीसी के लिए अलग डाउनलोड कर सकते हैं, पीसी के लिए अलग आता है, फोन पीसी दोनों में यूज कर सकते हैं, इंडिया में एकदम लीगल है, इंडिया में यूज कर सकते हैं, इंडिया में कोई बैन नहीं, आसानी से आप टॉर ब्राउजर का यूज कर सकते हैं। बहुत ऐसे कंट्री है जहां पे टॉर ब्राउजर बैन है बट इंडिया में बैन नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया टॉर क्या है, इससे क्या क्या फायदे हैं, इसको कैसे यूज करें, लाइक VPN जैसे आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करते हो वैसे ही एक टॉर भी है, तो आप आसानी से यूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल टेक्निकल बाबाजी पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रात्रि, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आसपास सफाई रखिए।